Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is the last video of Marsilia, है ना? Marsilia का part 4th है, जिसमें हम पूरा gametophytic जो generation है Marsilia का, उसको cover करेंगे. इसमें हम उसके structure भी देखेंगे gametophyte के, है ना? जो male gamete और female gamete की जो बात करते हैं, उन दोनों के structure की बात करेंगे, और हम साथ में fertilization भी देखेंगे. तो ये सारी चीजें हैं. अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गेमेटोफाइट. जो गेमेटोफाइट है उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, जो पार्ट थर्ड था हमारा मार्सिलिया का, उसमें पढ़ा कि स्पोर्स का फॉर्मेशन हो चुका है ना. दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं मार्सिलिया में, हेट्रोस्पोरस कंडीशन, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर. माइक्रोस्पोर जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं, और जो मेगास्पोर होते हैं वो मेगास्पोरेंजियम में प्रेजेंट होते हैं. ठीक, ये सब हमने जान लिया था लास्ट वीडियो में. अब हमने देखा कि जो स्पोर्स जो बन चुके हैं तो वो क्या करेंगे. बोथ द टाइप्स ऑफ स्पोर्स, बोथ द टाइप मतलब माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर, आर लिबरेटेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टेड स्पोरेंजिया. वो क्या करेंगे, अपने अपने स्पोरेंजिया से लिबरेट कर जाएंगे, यानी बाहर आ जाएंगे. व्हेन द वॉल्स ऑफ द स्पोरेंजिया एंड इंड्यूसिया अंडरगो जिलेटिनाइजेशन, यानी कि जब जो स्पोरेंजिया है इनकी, ये और इंड्यूसियम है, इनसे ये दोनों जो स्पोर्स हैं ये बाहर आ जाएंगे. ठीक, अब इनका जर्मिनेशन शुरू होगा. जर्मिनेशन क्या होगा, जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर स्टार्ट्स एज सून एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर. इनका जो जर्मिनेशन होगा, ये यानी कि ये जब बढ़ना शुरू करेंगे, जैसे ही ये पानी के कॉन्टैक्ट में आएंगे, इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक, माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा और मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा, रिजल्टिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द गेमेटोफिटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल. और जैसे ही जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि अब ये कौन सा फेज लाइफ साइकिल का चलने लगा, गेमेटोफिटिक फेज चलने लगा. ठीक, सबसे पहले अब पढ़ते हैं हम मेल गेमेटोफाइट की बात, है ना. दो टाइप के गैमेट बनेंगे, माइक्रोस्पोर से मेल गेमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोर से फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा. तो जो मेल गेमेटोफाइट है वो किससे बन रहा है, माइक्रोस्पोर से. माइक्रोस्पोर जो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं उससे बनेगा. माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गेमेटोफाइट. क्या कह रहा है कि जो मेल गेमेटोफाइट है वो उसका जो पहला सेल है, अगर उसकी स्टार्टिंग पॉइंट हम देखें तो वो कौन है, माइक्रोस्पोर. माइक्रोस्पोर से कौन बन रहा है, मेल गेमेटोफाइट. इतना तो समझ आ गया ना, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब हम चलते हैं आगे कि जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर स्टार्ट्स एज सून एज इट इज लिबरेटेड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम. जैसे ही माइक्रोस्पोर अपने माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आता है, उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. यानी कि जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम से बाहर आया इस माइक्रोस्पोर, वो जो है जर्मिनेट करने लगता है. एट फर्स्ट, सबसे पहले द माइक्रोस्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स इंटू टू. जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस है, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा. ठीक, फॉर्मिंग स्मॉल प्रोथेलियल सेल एंड द लार्जर एपिकल सेल. दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो दो इक्वल पार्ट्स नहीं होंगे, ये मैंने गलत बना दिया. मतलब मैंने तो समझाने के लिए बस बनाया है कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, वो दिखाया. बाकी जो इसका जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा. ठीक, एक बड़ा है तो लार्ज वाला कौन सा है, स्मॉल जो है वो प्रोथेलियल सेल है और लार्ज जो है वो एपिकल सेल है. इतना समझ आ गया, लार्ज वाला एपिकल सेल, स्मॉल वाला प्रोथेलियल सेल. क्लियर हो गई बात. द एपिकल सेल देन डिवाइड्स ट्रांसवर्सली. अब जो एपिकल सेल है इसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, फॉर्मिंग टू सेल्स ईच रिप्रेजेंटिंग एंथ्रीडियल इनिशियल. इसमें दो पार्ट्स में डिवीजन होगा, दोनों पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल को रिप्रेजेंट करेंगे. द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड एंड री डिवाइड फॉर्मिंग अ जैकेट ऑफ थ्री एक्सटर्नल सेल्स एंड वन स्पर्मेटोजेनस सेल, या इसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल भी कहते हैं. कह रहा है कि जो न्यूक्लियस है, जो दो एंथ्रीडियल सेल बने हैं उनके जो न्यूक्लियस है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड डिवाइड होकर के, मतलब री डिवाइड हो रहे हैं, और जैकेट लेयर बना रहे हैं कितनी, तीन एक्सटर्नल सेल्स की, और जिसमें से एक जो है वो क्या है, स्पर्मेटोजेनस सेल है. ठीक, स्पर्मेटोजेनस सेल है, या उसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल भी कह सकते हैं. इतना समझा के ये यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद हम अभी डायग्राम से भी आपको अच्छे से समझा देंगे, तो
तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक, द प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। अब ये जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल है, यानी कि इनको स्पर्मेटोजेनस सेल भी कह सकते हैं, ये जो बने हैं इनमें क्या हो रहा है, बाई सक्सेसिव फोर सक्सेसिव डिविजन्स गिव राइज टू 16 एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल। ये जो स्पर्मेटोजेनस सेल है, जो सिंगल एक स्पर्मेटोजेनस बना है, या इसको प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल भी कहते हैं, इसमें क्या होगा, चार बार लगातार डिविजन्स होंगे और वो क्या बनाएंगे, 16 स्पर्म मदर सेल्स बनेंगी। फिर से बताते हैं, एक जो स्पर्मेटोजेनस सेल बना है उसमें चार बार डिवीजन होगा और 16 स्पर्म मदर सेल बनेंगी, जिनको एंड्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। द स्पर्म मदर सेल्स, जो स्पर्म मदर सेल्स बनी है, ये 16 स्पर्म मदर सेल्स जो बनी है, ये जो स्टेज आई है हमारी, ये क्या होगी, मेटामॉर्फोज्ड होगी, है ना, इनटू स्पाइरली कॉइल्ड मल्टी फ्लैजलेट स्पर्म्स में। यानी कि ये किसमें, मतलब किसमें ये बदलेंगे, अपना जो स्ट्रक्चर होगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, मतलब अपना फॉर्म जो चेंज आएगा उसमें, स्ट्रक्चर में, स्पर्म मदर सेल्स में, वो कैसे, स्पाइरली कॉइल्ड। स्पाइरल कॉइल तो आपको पता ही होगा ना, स्पाइरल बाइंडिंग करवाई होगी आपने, तो वैसी कॉइलिंग आपको पता होगा। मल्टी फ्लैजलेट मतलब बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। फ्लैजिला के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना हो अच्छे से, जैसे कभी कभी आता है बीएससी में तो अक्सर ही पढ़ने को आता है, तो आप, मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे चैनल पर, फ्लैजिला पर डिटेल में आपको दिख जाएगा। तो स्पाइरली कॉइल मल्टी फ्लैजलेट स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मैच्योर स्पर्म्स हैं, जो मैच्योर स्पर्म्स हैं आर सेट फ्री व्हेन स्पोर वॉल बर्स्ट। अब जो स्पोर की वॉल जो थी वो जब फट गई तो सारे स्पर्म्स बाहर आ गए और वो, मतलब मैच्योर स्पर्म्स हैं वो फ्रीली जो हैं अब। ठीक, इतनी बात हमने क्या पढ़ी कि मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है ना, डेवलपमेंट भी नहीं कहेंगे उसका, जर्मिनेशन कहेंगे कि वो जर्मिनेट किससे हो रहा है। तो हमने ये जाना कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसका जो फर्स्ट सेल था वो हमारा था माइक्रोस्पोर, है ना। अब थोड़ा सा डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये रहा डायग्राम, अब बताओ कि डायग्राम कैसा है ना। मुझे लगता है कि क्लियर हो जाएगा, आप लोग को समझ तो आ ही जाएगा, है ना, इतना तो क्लियर दिख ही रहा है। तो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो हमने अभी पढ़ा था, है ना, लाइन बाय लाइन जो पढ़ा था उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये, जिसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस दिखा रखी हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोर जो है वो मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल होता है, माइक्रोस्पोर है ना, उसका न्यूक्लियस है। अब उसमें डिवीजन हो रहा है, सबसे पहले डिवीजन होता है, दो पार्ट्स में डिवीजन होता है। ठीक, जिसमें एक पहला पार्ट जो होता है वो क्या है, स्मॉल होता है ना, प्रोथेलियल सेल, और जो दूसरा पार्ट है वो कैसा है, लार्ज है, ये स्मॉल है प्रोथेलियल सेल, और जो लार्ज है वो एपिकल सेल है। ठीक, फिर उसके बाद फर्दर जो एपिकल सेल में डिवीजन हो रहा है वो किस दो पार्ट्स में हो रहा है, कौन कौन से, एंथ्रीडियल इनिशियल्स बन रहा है, ट्रांसफर डिवीजन हो रहा है जिसमें दो एंथ्रीडियल इनिशियल्स बनती हैं। फिर उसके बाद ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है वो डिवाइड और रीडिवाइड होते 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 क्या बनाती हैं, जैकेट लेयर्स बनाती हैं, और एक जो है स्पर्मेटोजेनस सेल बनता है, या इसको एंड्रोगोनियल सेल भी कहते हैं, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल कहते हैं। फिर इस प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल में चार बार सक्सेसिव डिवीजन होगा, है ना, चार सक्सेसिव डिवीजन के बाद क्या होगा, इसके बाद देखो डिवीजन पे डिवीजन हो रहे हैं, और फिर यहाँ पे 16 सेल की एक स्टेज बनेगी, जो कि क्या होते हैं, 16 एंड्रोसाइट या स्पर्म मदर सेल्स बनते हैं, स्पर्म मदर सेल्स को एंड्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। ठीक, ये स्टेज बनी। अब क्या होता है कि ये जो स्पर्म मदर सेल्स हैं ये मेटामॉर्फोज होती हैं, है ना, और वो किस में चेंज होती हैं, स्पाइरली कॉइल्ड, स्पाइरल कॉइलिंग देखने को मिलेगी, बहुत सारे फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, और ये जब बस्ट हो जाएगा, ये जब फट जाएगा तो एक स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, जिसका डायग्राम ये है। ठीक, बहुत सारे फ्लैजिला हैं, स्पाइरल कॉइलिंग है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब जो है ये जो मेल गैमेटोफाइट है वो रेडी हो गया है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट की बात पढ़ेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या पढ़ेंगे वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का जो फर्स्ट सेल है वो क्या है, मेगा स्पोर, है ना, हेटरोस्पोरस कंडीशन में एक माइक्रोस्पोर था एक मेगा स्पोर था। तो मेगा स्पोर जो है वो फीमेल गैमेटोफाइट का पहला सेल है। जर्मिनेशन ऑफ मेगा स्पोर स्टार्ट्स एज सून एज
इट लिबरेटेड फ्रॉम द मेगास्पोरेंजियम। जैसे ही ये मेगास्पोरेंजियम से बाहर आएगा लिबरेट होकर के मेगास्पोर का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। एट फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है, द मेगास्पोर न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पहला स्मॉलर एपिकल सेल, दूसरा बेसल सेल। लार्जर क्या है, वो बेसल सेल में डिवाइड होगा, है ना, दो डिवीजन होंगे स्मॉल और लार्ज। लार्ज वाला क्या है, लार्ज वाला बेसल सेल है, स्मॉल वाला क्या है, एपिकल सेल। द गैमेटोफाइट प्रॉपर डेवलप्स फ्रॉम द स्मॉलर एपिकल सेल। गैमेटोफाइट किससे डेवलप हो रहा है, एपिकल सेल से डेवलपमेंट इसका हो रहा है, फर्दर जो डेवलपमेंट हो रहा है। मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इज मच रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर। जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो बहुत ही रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर में होता है, और इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्चिगोनियम एम्बेडेड इन अ कैप ऑफ टिश्यू अटैच्ड ओवर द एपेक्स ऑफ लार्ज न्यूट्रिटिव सेल। कह रहा है कि जो मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है वो बहुत ही रिड्यूस्ड होता है, और वो क्या कंसिस्ट कर रहा है, उसमें सिंगल आर्चिगोनियम है, एक सिंगल आर्चिगोनियम है जो कि कहाँ एम्बेडेड होती है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, कैप ऑफ टिश्यू, जो कि अटैच किससे है, एक लार्ज न्यूट्रिटिव सेल्स के अपेक्स से अटैच होता है। ठीक, वहाँ पे मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट होगी। द आर्चिगोनियम इज शॉर्ट, तो जो आर्चिगोनियम वो कैसी है, शॉर्ट है बट ब्रॉड है, है ना, लेकिन फैली हुई है। एंड कंसिस्ट ऑफ नेक एंड वेंटर, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, आर्चिगोनियम में नेक प्रेजेंट है और वेंटर प्रेजेंट है। जो नेक है वो कंसिस्ट ऑफ नेक केनाल सेल, जो नेक है उसमें क्या है, नेक केनाल सेल्स हैं, और जो वेंटर है उसमें क्या है, वेंटर केनाल सेल है और एग है, एग सेल है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, एग सेल, है ना, सारा जो काम होना है फर्टिलाइजेशन का वो एग सेल में होना है। तो अब हमने जो चीजें पढ़ी हैं वो हम डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो डायग्राम पे आते हैं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि फीमेल जो गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किससे होता है, उसका फर्स्ट सेल क्या होता है, मेगास्पोर। ठीक, मेगास्पोर है, मेगास्पोर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फर्दर डिवीजन होगा, दो पार्ट्स में सेल डिवाइड होगा। ठीक, मेगास्पोर जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, एपिकल सेल और बेसल सेल। एपिकल सेल जो है वो लार्ज होता है, सॉरी स्मॉल होता है, और बेसल सेल लार्ज होता है। तो जो एपिकल सेल है उससे फर्दर जो डिवीजन होगा और आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा, आर्चिगोनियम में डिवीजन होगा तो नेक इनिशियल्स बनेंगे और वेंटर इनिशियल्स बनेंगे। नेक इनिशियल से क्या होंगे, नेक केनाल सेल्स बनेंगे, और वेंटर से वेंटर केनाल सेल बनेगा और एक एग बनेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है ये एग। ठीक, अब इस एग से ही सारा काम होना है। तो ये हमने क्या देखा इस डायग्राम में, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है। ये आप डायग्राम से देख लें। फिर हमारा मेन जो पार्ट आ जाता है वो आता है फर्टिलाइजेशन पे। भाई उधर मेल गैमेटोफाइट जो है फॉर्म हो गया है, डेवलपमेंट उसका हो गया है, इधर एग सेल फॉर्म हो गया है। अब क्या होगा, इट टेक्स प्लेस व्हेन द स्पर्म स्विम्स टुवर्ड्स एन आर्चिगोनियम। अब ये जो हमारा आर्चिगोनियम है जिसमें एग प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन में यही तो होना है ना कि दोनों मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का फ्यूजन होना है, है ना। तो फ्यूजन होगा तो क्या होगा, ये जो जो स्पर्म बने थे वहां पे, जो मेल गैमेटोफाइट जो बना था वहां पे, आपने देखा नहीं था, फ्लैजला प्रेजेंट थे, मल्टी फ्लैजलेट स्पर्म्स बने थे। तो फ्लैजला का काम क्या होता है, मूवमेंट का। तो फ्लैजला क्या करेगा, मूव कराएगा। तो स्पर्म जो है मूव करके आया, यानी स्विम करके आया टुवर्ड्स किसके पास आया, आर्चिगोनियम के पास आया। आर्चिगोनियम के पास क्यों आया, क्योंकि आर्चिगोनियम के पास एक एग है एंड ओनली वन स्पर्म। बहुत सारे स्पर्म्स आते हैं स्विम करके, लेकिन सिर्फ एक ही कोई इस एबल होता है कि एंटर करता है नेक केनाल, नेक से एंड फ्यूजेस विद द एग, और इस नेक से यहां से आ करके एक स्पर्म आके यहाँ कहाँ पहुंचता है, एग के पास पहुंचता है, और एग के साथ फ्यूजन होता है उसका, है ना। इस फ्यूजन का जो रिजल्ट होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन अ डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म। जो फ्यूजन हुआ है उससे क्या बना है, डिप्लॉयड जाइगोट बना है। देखो फर्टिलाइजेशन का अगर कभी भी रिजल्ट पूछा जाए तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट हमेशा जाइगोट होता है। ठीक, अब ये जाइगोट बनता कैसे है, जाइगोट बनता है मेल गैमिट, है ना, मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट के फ्यूजन से, फीमेल गैमिट के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो मेल गैमिट की कंडीशन एन होती है हैप्लॉयड, और फीमेल गैमिट की भी हैप्लॉयड होती है। तो जब हैप्लॉयड हैप्लॉयड दो मिल रहे हैं तो यहाँ पे क्या जाइगोट की कंडीशन क्या हो जाएगी, डिप्लॉयड कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो बन चुका है फ्यूजन होने के बाद। एज सून एज द जाइगोट इज फॉर्म, जैसे ही जाइगोट बनता है इट डेवलप्स इनटू डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जेनरेशन। और वो जाइगोट क्या है, किस में डेवलप होता है, एक डिप्लॉयड
स्पोरोफिटिक जनरेशन में, यानी कि एक यंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है जैसे ही फ्यूजन हो जाता है। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, ये वाला लास्ट वाला, ये यही दिखा रहा है, यंग स्पोरोफाइट दिखा रहा है, ठीक, जिसमें क्या है, मेगा स्पोर्स प्रेजेंट है, मेगा स्पोर की वॉल है, राइजोइड्स हैं, ये फर्दर जो है एक मार्सिलिया जो है का यंग स्पोरोफाइट है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, है ना। इस वीडियो में हमने क्या चीज़ें पढ़ी, गेमेटोफिटिक जनरेशन पढ़ा है, जिसमें हमने डेवलपमेंट पढ़ा है, उनके मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, फिर जब वो डेवलप हो जाते हैं तो उनका फर्टिलाइजेशन पढ़ा है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं, पूरा मार्सिलिया का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अब क्या करते हैं कि अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो, ये चारों पार्ट अगर मार्सिलिया के आपको समझ आए हों, जो चीज़ भी समझ नहीं आई हो वो मुझे कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगी, है ना। आपको कोई चीज़ पूछनी है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।